गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज आपका हिंदी का टर्न है ना। आज आपको अक्षरों का जोड़ कराएंगे। ये हम पहले भी करा चुके हैं, है ना, आपने बुक पढ़ी होगी अपनी। देखिए, है ना, दो अक्षरों वर्णों का जोड़, क र, फिर उसके मिला के क्या बनता है, क र कर, ब स, उसको मिला के क्या बनेगा, बस, है ना। ऐसे पढ़ाए थे ना, पढ़िए सबने बुक, रीड करिए। जब आप बुक रीड करोगे तभी आपको पढ़ना आ जाएगा, ठीक है। आज आपको अक्षरों का जोड़ कराएंगे। क्या है, अक्षरों का जोड़, है ना, इवन अक्षरों को जोड़ना है। हमारे ये ब और स, ये कैसे हैं, अलग अलग लिखे हैं ना, ब अलग है, स अलग है। अब इन दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ के हमारे क्या बनेगा, ब स बस। ऐसे ये है और र अलग अलग है, अब इन दोनों को हमको जोड़ना है ना, जोड़ करके एक बनाना है। तो क्या बनेगा, ये है र हर, है ना। फिर ये क्या है, मैं गे, ये आप लिखोगे यहाँ पे क्या बनेगा, ये मैं गे मग, है ना। ये र थे, क्या बनेगा यहाँ पे, र थे रथ। च ल चल, ब र बड़, र स रस, क र कर, फ ल फल, क ब कब। ये क्या हमारे दो अक्षरों का जोड़, यानी कि कोई चीज़ को हम जोड़ते हैं तो वो कहलाते हैं अक्षरों का जोड़। क्या कहलाता है, ये अक्षरों का जो, है ना, यही तो है हमारा। अब आपको हमने ये अलग अलग दिए हैं, ये अलग अलग हो गए ना, र और ख अलग अलग हो गए। अब हम दोनों को मिला के क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे र, उसके बाद में आएगा ख, र ख रख। इनको आपको पढ़ना भी है, र ख रख, है ना, है मैं, क्या बना, है मैं हम, कै स, क्या बनेगा, ये कैसे, अब इन दोनों को मिला दिया, कैसे कस, है ना, पैर, क्या बनेगा, ये पैर पढ़, है ना, पैर पढ़। आपको भी ऐसे ही अपनी पेरेंट्स से कहना कि ऐसे करके आपको लिख के देंगे, और ये आपको अपने आप लिखने हैं, जोड़ करके इनको अपना लिखना है कि ये हमारा क्या शब्द बनेगा। ऐसे ये च र, अब बताइए क्या बनेगा, ये पहले आपको च और र अलग अलग हो गया, अब इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, च र चल, है ना, क ल, अब इन दोनों को मिला दो, क और ल, दोनों को मिला दिया तो क्या बनेगा, कैल कल। ऐसे ही स और ब, क्या बनेगा, ये दोनों को मिलाएंगे, है ना, स और ब, स ब सब, फ ल, ये क्या बनेगा हमारा, फैल फल, है ना। आपको बस प्रैक्टिस करनी है इनके लिखने की, फिर आपको ऐसे ही लिखना आ जाएगा, पढ़ना भी आ जाएगा, क्योंकि जब आप लिखोगे, बोल बोल कर लिखोगे उस चीज़ को, तो आपको जल्दी से प्रैक्टिस हो जाएगी पढ़ने की, फिर आपको दो वर्णों के अक्षर पढ़ने आ जाएंगे, है ना। अभी तो आपने अलग अलग पढ़े थे, क्या कबूतर, फै फल, खै खरगोश, गया गमला, ये तो पढ़े थे। अब इन दो वर्णों का जोड़ पढ़ लिया आपने, पढ़ लिया बुक में आपके, हमने पढ़ा दिया। अब इनको जोड़ जोड़ कर आपको ऐसे लिखना है, जैसे हमने लिखा र ख, क्या बन जाएगा, र ख रख, है मैं। अब इन दोनों को क्या मिलाना है, हमको मिलाना है, तो क्या बनेगा, ये है मैं हम, कैसे कस, पैर पढ़, चर चर, कैल कल, है ना। ऐसे ही हमने आज आपको ये वर्क है ना, अक्षरों का जोड़ आपको दो लिख के बताएं, ये आपको नीचे के अपने आप लिखोगे, जो वर्ड्स
अधूरे हैं ना ये लाइन है, ये आपको अपना यहाँ पर लिखना है। कैसे? बस है बस है रे हर मैं गे मग रथ है रथ चल है चल बैर है बड़ रस है रस कैर है कर फैल है फल कैब है कब। ठीक है, ये क्या करना आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, लेकिन आप अपना वर्क अपने आप करोगे। ठीक है, जब आप सुंदर सुंदर लिखोगे है ना, फिर आपको गुड मिलेगा, एक्सीलेंट मिलेगा, मिलेगा ना। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप जब अपना वर्क करोगे तो मैडम और मम्मी आपकी खुश होती है। कैसे? कि हाँ इसको लिखना आ गया है ना, आ गया ना लिखना आपको। पहले क्या डालोगे आप? हेडिंग डालना। हेडिंग है हमारी अक्षरों का, पहले हिंदी अक्षरों का जो है ना, ये आपकी कॉपी की लाइन होती है ना, ये आपकी कॉपी की लाइन होगी, ऐसी ऐसी तो होती है आपकी कॉपी की लाइन, ऐसे है ना। आपको ऊपर यहाँ पे डालना है अक्षरों का जोड़, और फिर एक लाइन छोड़ के आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप हेडिंग डालोगे, ऐसे ऐसे हेडिंग डालना और यहाँ से लिखना शुरू करोगे, फिर आप ऐसे सुंदर सुंदर ऐसे। ठीक है, ऐसे करना। बहुत से हेडिंग को कहाँ डालते हैं? यहाँ लाइन के ऊपर, ये क्या है? रॉन्ग है। हेडिंग कहाँ डालते हैं हमेशा? लाइन के नीचे, लाइन के ऊपर नहीं। लाइन के ऊपर तो आपका अच्छा नहीं लगेगा, लाइन के नीचे ऐसे हेडिंग डालोगे, फिर ऐसे लिखना, और प्लस के निशान भी आपको इतने ऐसे मत लगाना, ऐसे ऐसे लगाना सुंदर सुंदर है ना, जैसे मैंने लगाया ना ऐसे ही आप लगाओगे। ठीक है, आज आपका क्या वर्क है? आपको अपनी नोटबुक में ये वर्क करना है, प्लस इसको क्या करना है आपको? रीड भी करना है। ठीक है, और अपनी बुक में दो वर्णों को जो आपका जोड़ है, दो वर्णों के जो शब्द है आपको वो पढ़ने हैं, है ना? पढ़ोगे ना? गुड, ओके।